सीएनजी भी खत्म भाई, सीएनजी खत्म, पेट्रोल खत्म, दोनों चीज जल्दी जल्दी निकाल लें, जल्दी जल्दी पहुंच जाए पेट्रोल पंप तक। और भाई साहब आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से वो यार बंद हो रही है धीरे धीरे भाई, एक तो झटके मार रही है भाई धीरे धीरे, जल्दी बात नहीं, दो जने इसलिए लेके आए जो तुम जो धक्का लगाओगे ना बाद में। धक्का मतलब हुआ भाई, ये मेरा धक्का लगाने से मेरे को डॉक्टर ने मना करा है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, मेरा नाम है अजय शकर, दो सभी लोग खुश होंगे, दोस्त होंगे, मजे होंगे। तो अभी क्या है ना, गाड़ी का ना पेट्रोल और सीएनजी दोनों खत्म हो गया, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं और गाड़ी मिसिंग हो रही है, सीएनजी डलानी है और सीएनजी भी लाइन न लग रही हो, बस ये है कि भाई आ गए। ओ चलो भाई, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पहले सीएनजी डलवाते फिर पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि सीएनजी जल्दी हो जाएगी ना काम। तो भाई ये खुल गया तेरा ये, अरे यार इस वाले गेट का ना दिक्कत हो गई, तो ये अंदर से खुलता नहीं है, मतलब ये हम किस्तों पर चला रहे हैं गाड़ी। क्या दिखा रहे हो भाई, ये भाई ये हम ताला लगा के रखते हैं रात में गाड़ी को, इसमें ये दिखा रहा था, इसमें ताला लगा रखा है, तो हम बाहर से ताला लगा देते हैं गाड़ी को फिलहाल। ताला क्यों रख रखा था हमने गाड़ी में, भैया यहाँ सी एन जी कैसी मिलती है, सी एन जी का कैसा रिव्यू यहाँ पे तुम बताओ। पहली बार आया तो फिर अभी मतलब पहली बार कितने कितने मिलती है, हल्की मिलती है यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। हाँ तो चलो कोई नहीं, मतलब बताते वो सोच रहे थे क्या, वो सोच रहे रिपोर्टर वाले आ गए कोई, मैं यहाँ पहले। हम लोग करोल बाग जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है, गाड़ी का कुछ काम है और कुछ पार्ट्स वगैरह लेने हैं, तो वो दिखाऊंगा अभी आके। बट हाँ एक और सरप्राइज है, वो आपको इस ब्लॉग में बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, बट मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है और क्यों जा रहे हैं। आशिक आ रहे हैं ही में लीन है ये लोग। भाई सनी देवल आ गए यहाँ पे, देखो भाई साहब अलग ही तो है, सुंदर, अच्छा सुंदर घोड़ी है भाई। ये देख लो, ये पूरा पुलर है ना पूरा है, मैंने रील बनाई थी इसके ऊपर, ये पूरा सिंगल पिलर पे पूरा टिका हुआ है, और इस पर ना एक फ्लाईओवर निकलेगा, ये पूरा फ्लाईओवर निकलेगा नीचे नीचे जो जा रहा है, और उसके ऊपर चलेगी मेट्रो। भाई साहब ये मैंने पहली बार देखा कि सिंगल पिलर के ऊपर इतनी मतलब खतरनाक भी है, पता नहीं कैसे बना रहे, कितनी तगड़ी इंजीनियरिंग लगा रहे, बट यार अजूबा सा ही होगा ये भी जो भी है, क्योंकि इन्होंने ना सिंगल पिलर पर पूरा फ्लाईओवर और प्लस में मेट्रो, भाई बहुत बड़ी बात है। अब ये पता नहीं है कि भाई थोड़ा खतरा सा तो लगता है मुझे, पर पता नहीं कैसा होगा, क्या है क्या नहीं है, कितनी मजबूती है इसके अंदर, बट फिलहाल जब बनेगा तो उसके बाद ही पता लगेगा भाई, क्योंकि बना रहे हो कुछ सोच समझ के ही बना रहे होंगे। भाई पेट्रोल लेना स्टार्ट हो गया, भैया जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, लेने लेने, अरे गाड़ी भाई भाई मिल गए थे रास्ते में, तो उन्हीं से थोड़े मतलब चलते चलते बातचीत चले, वैसे करना नहीं चाहिए, पर भाई सिग्नेचर आ गया यार, यहाँ का तो व्यू बनता है, ये तो एपिक है, हालांकि हमारे घर के पास है, हम खुद नहीं आते घूमने भाई, हम पहाड़ों की ऊंचाई में। वैसे ये वाला रास्ता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना ये ऐसा लगता है कि हम थोड़े हिल स्टेशन पर आ गए, तो भाई ये देखना ऐसे कर्व्स आते हैं ना, कर्व्स मुड़े मुड़े बहुत मस्त लगते हैं। कन्हैया तू यहाँ पे कितनी बार आया है, कितनी बार आया है यहाँ पर, आया हूँ काफ़ी, कितनी बार, जब रेगुलर कॉलेज था मेरा तो फिर मैं आता ही रहता था। कॉलेज कहाँ पे था तेरा, एक झूठ इतना बोल रहा है कि मैं कॉलेज जाता था, वो कॉलेज वॉलेज कहीं नहीं जाता था, ये बस इधर उधर घूमता था। अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में था यार। अच्छा सोनालिका की उसकी नौकरानी की लड़की थी। अच्छा तो बस वो प्यार में पागल थी यार, क्या करता मालिक की नौकरानी की लड़की, देख रहा भाई क्या बोलूं मैं, से छोड़ो कोई बात नहीं जाने देते हैं। देख रहे हो विमल स्टोर, तो भाई सब एक साथ बोल दो, जुबा केसरी बोलो, जुबा केसरी भाई साहब इसका तो ऐसा क्रेज है ना, लोग ऐसे खाते रज के खाते हैं ये सब चीजें, रज के खाते, पता नहीं कैसे खा लेते हैं हम लोग देखते ही परेशान रहते हैं, बनकी क्या खा रहा है यार ये। एक ना आजकल लोगों को बना पता नहीं क्या चल गया, तुमने आपने देखा होगा कभी वो हिला, समझ रहे हो ना, मतलब छोड़ो यार क्या बताऊं, वो ना
उसके अंदर वो पैकेट फाड़ेंगे, दूसरा पैकेट उसके अंदर मिला के फिर खाएंगे। पता नहीं क्या क्या तरीकी वो चल रही है। नहीं नहीं भाई, हम आ गए करोल बाग। भाई करोल बाग आ गए, और यहाँ पे देखो करोल बाग घुसने के मतलब ही तुम समझ जाओ जाम। अभी जा रहे हैं पार्किंग ढूंढते हैं, क्योंकि पार्किंग ढूंढना एक बहुत बहुत बड़ा टास्क है। भाई पहुँच गए अपना, फाइनली हमने पार्किंग मिल गई। भाई पार्किंग में लगा दी गाड़ी, हमने पार्किंग में लगा दी। और पार्किंग के पैसे बताइए कितने बताए इसने? 100 रुपए एक घंटे। भाई 100 रुपए एक घंटे, मैं देख के हैरान हो गया यार। 100 रुपए एक घंटे की तुक होती है। और हम अगर हम मान लें कि 2-3 घंटे रुक लिए, तो हमारे तो सीधा 300-400 रुपए तो इसमें चले जाएंगे। इतने का पेट्रोल, इतने का पेट्रोल नहीं लगा इतने का। इससे अच्छा तो मेट्रो से आ जाओ भाई। भाई मार्केट में आ गए, अभी देख रहे हैं कि कौन कौन सा सामान लेना है। अभी तो हमें जाना है एक मेन मार्केट में और, क्योंकि जो हमें स्पेयर पार्ट्स लेने हैं। स्पेयर पार्ट्स क्या है कि बाइक वगैरह के देखने हैं कुछ। और कुछ भाई फिलहाल आ गए अपना, इसको कौन कौन सा चाहिए वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो डिसाइड ही चल रहा है क्या करना है। ले लेंगे बल्क में, रेट बताओ। 450 रुपये। 450 रुपये कुछ सामान तुमने ले लिया है? ठीक, पूरा पैक कर रखा सामान। भाई साहब इतनी कंजेस्टेड मार्केट है ना, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड मार्केट है। अभी तो फिलहाल ना यहीं भटक रहे हैं हम लोग, जो मेन सामान है वो लिया नहीं है। अभी हमने कुछ छोट मोट सामान ले लिया ना। इसे कन्हैया को कवर पसंद आया था, और वही कवर देखने के लिए जा रहे हैं वापस के लिए। अब यहीं देखेगा, यहीं देखेगा कौन सा कवर था, ये वाला था ना, रेड कलर चाहिए। हाँ देखो मिनी स्पीकर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, देख रहे हो। ये होलसेल का प्राइस है, मैं थोड़ा रिवील नहीं करूँगा, बट हाँ बहुत ही क्यूट है ये। मतलब कहीं पे भी रख लो ना, देख रहे हो, जेब में रख के बजा लो, यहाँ पे कहीं रख लो। एक ये वाला स्पीकर है, बहुत मिनी मिनी से स्पीकर है, बहुत क्यूट सा है, आवाज़ बहुत अच्छी है इनकी। ये भी बहुत अच्छा है, मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा, देखो काफ़ी अच्छे हैं यार इनकी आवाज़ भी काफ़ी सही है, बेस भी अच्छा है इनका। भाई एक ये रहे, ये वाले भी सेम है, थोड़ा बहुत सामान लिया है, जो भी लिया हमने ले लिया सामान। अब जा रहे हैं थोड़ा बाइक के पार्ट्स के लिए, क्योंकि बाइक के एक सीरीज भी देखने हैं। तो भाई अभी जा रहे हैं हम बाइक की मार्केट पूरी, क्योंकि बाइक से कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह देखने हैं और कुछ एक्सेसरीज वगैरह देखनी है। भाई ये देखो क्या मॉडिफाइड लग रही है पूरी थार, गजब की लग रही है भाई साहब, एक से एक गाड़ी है भाई। इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह चल रही हो ना, सभी गाड़ियों का काम चल रहा है यहाँ पर। और अभी दिखाता हूँ भाई साहब, देखो ये थार तो भाई सबका ऐसे प्लस पॉइंट बन गया। स्विफ्ट खुली पड़ी है, एक ही पड़ा पूरे बाजार में पूरी। ये देखो एक और ये रही थार भाई साहब, पूरा इसका तामझाम खुला पड़ा है। और भाई यहाँ देखो पूरी स्विफ्ट खुली पड़ी है, ये देखो। तो अभी हमें जाना बाइक की मार्केट, क्योंकि ये तो पूरा कार का काम हो रहा है। ये देखो बाइक की मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, बाइक स्टार्ट हो गई। अच्छा करोल बाग के अंदर पूरा काम ही अलग है, बाइक का पूरा अलग सेक्शन बना रखा है, शूज़ का अलग सेक्शन बना रखा है। ये देखो भाई बाइक ही दिखेंगी अब तुम्हें, गाड़ी दिख रही, अब तुम्हें बाइक ही दिखेंगी भाई, बाइक ही देख रहे हो। जो से चाहिए वो उठा लो, जो चाहिए होगी वो उठा लेना, अब चलेगा अपना काम। भाई साहब बुलेट ही बुलेट खड़ी है, एक से एक बुलेट खड़ी है, सारा बाइक का काम है यहाँ पे, पूरा का पूरा बाइक का काम है। ये देखो बुलेट ही बुलेट है यहाँ पे खड़ी है, KTM और R15 CBR बुलेट, फिर ब्लैक स्टार्ट। पूरी बाइक की मार्केट में आ गए भाई साहब, ये देखो KTM का पूरा भंडार लगा पड़ा है, जितने भी सेकेंड हैंड मार्केट चाहिए, सेकेंड हैंड न्यू जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। करें यहाँ तो अपने लिए कौन सी बाइक लेगा? बाइक नहीं पसंद क्या? स्कूटी पसंद है? स्कूटी और कार भाई, स्कूटी तो यहाँ पे भी देख ले, स्कूटी ये लगी पड़ी भाई, KTM ड्यूक वगैरह सारी, इतनी सारी खड़ी है ना। ये देख लो भाई साहब पूरा बाइक की मार्केट आ गए। एक ये खड़ी क्लासिक, और ये दूसरा ये है, ओए ये हार्ले भाई, हार्ले भी मिल गई, सारी मिल जाएंगी भाई, यहाँ तो पूरा हब है। चलो यार थोड़ा सा ये सामान आ गया,
हमने थोड़ा बाइक के कुछ पॉलिश वगैरह है और स्प्रे वगैरह है जो कलर वगैरह का होता है, तो वो चीज़ देख रहे। तो भाई देखो बाइक का ना आपको पूरा अच्छा खासा हब दिखेगा यहाँ, कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना हो जीरो से लेके 100 तक, कुछ भी पार्ट हो सारी मॉडिफिकेशन आपको मिल जाएगी। भाई गाड़ियों का तो यहाँ पे पूरा, बाइक का, ये कौन सी बाइक है, इंडियन हिमालयन, कौन सी हिमालयन, हिमालयन है ना, बुलेट ही बुलेट खड़ी है भाई, बुलेट ही बुलेट, अपाची 310 भाई साहब, ड्यूक केटीएम स्कूटी कने, तेरे को तो स्कूटी पसंद है तू ले ले, ये आराम कर रही है बाइक यहाँ पर। ये हमने सामान वगैरह सारा ले लिया है, अभी फिलहाल क्या है अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि ये पार्किंग में देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। भाई ये देखो थार की मॉडिफिकेशन चल रही है पूरी, भाई साहब ऐसी क्या गाड़ी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आ रहा है, ज़बरदस्त। ये शूज़ मार्केट आ गए अब, अलग शूज़ ही शूज़ भरे पड़े हैं यहाँ पर, भी शूज़ में भी होल सेल में मिलता है पूरा, जितना भी आपको सामान चाहिए हो ना पूरा, सैंडल्स लगे हुए हैं। भाई पूरी शूज मार्केट है ये, यहाँ पर सारे शूज मिल जाएंगे भाई। ये देखो भाई साहब सारे कॉपी, मतलब अच्छा ए टू जेड कॉपी है पूरा, कोई ओरिजिनल माल नहीं है, बट यार कॉपी में भी देखो ना इतनी वैरायटी है, इतने लोग हैं ना भाई देखने वाले। ये देखो पूरा शोरूम बने पड़े, अब ये जा रहे हैं पूरे कार्टून्स भर के, और इसके अंदर ना जितने भी स्लीपर्स वगैरह भी हैं तो वो भी कर, ये देखो पूरा फॉर्मल्स का भरा पड़ा है, पर्स भी बहुत ज़्यादा, ये पूरे कार्टन्स पैक हो रहे हैं, और ये कार्टन्स के अंदर पूरा शूज़ है, और ये जाएंगे जो रिटेल शॉप होती है, ये पूरा सारा का सारा होल सेल मार्केट है। यहाँ आ गए कपड़ा मार्केट में, अब यहाँ पर कपड़ों की मार्केट मिल जाएगी, यहाँ पर पूरा मतलब पूरा करोल बाग ना बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो पूरा वास्ट है भाई यहाँ पर ना, तुम कुछ भी ले लो सब मिल जाएगा, पूरा सर से लेके कान तक, कान से लेके पूरा नीचे पैर तक सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत वास्ट है भाई ये। भाई वापस से अपना आ गए मोबाइल मार्केट में, इसका जो पूरा कॉस्मेटिक का सामान होता है ना वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो भाई पूरा सेकेंड हैंड आईफोन मिल रहा है, बहुत 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 सही। यह देखो पूरे सेकेंड हैंड पूरे आईफोन वगैरह सारी चीज़ मिल जाएगी भाई, जो चाहिए सब मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। पता है एक और चीज़ मैंने देखी है भाई, कुछ भी चीज़ लो ना पहले पूरा अपनी तसल्ली से लो, पूरा सारी चीज़ चेक करके लो, संतुष्टि से लो, और पूरा ना जैसे अब सीन क्या है कि इसके अंदर ना डुप्लीकेट भी बहुत ज़्यादा पहुँचा देते हैं, तो डुप्लीकेट का भाई डुप्लीकेट लेने में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें देख के लेनी पड़ती है। अब जा रहे हैं हम लोग वापस अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो सामान लेना था हमने ले लिया, मेन राजमा चावल ले लिया, राजमा चावल, तूने कड़ी चावल लिया, अरे वाह भूखे लगे, बढ़िया डाल दी भाई ने प्याज डाल दी भाई। अब बनने जा रहे भाई कड़ी चावल, मेरे पकौड़े डल गए गजब बन तो गई है, प्याज और वापस आ गए अपने पार्किंग पर, अब गाड़ी निकाल। भाई अभी मैं बताता हूँ हम लोग गए क्यों थे करोल बाग। सीन क्या है कि अभी है ना आशीष एक एक्सेसरीज की, बाइक एक्सेसरीज हो गई उनकी शॉप खोल रहा है, तो उसी चीज़ के भी कुछ पार्ट्स वगैरह को देख रहे हैं, कुछ नॉलेज वगैरह लेने की, कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से अभी आज भी गए थे, और अपनी बाइक की एक्सेसरीज रखनी होगी, तो उसमें क्या है कि हमने थोड़ा बहुत नॉलेज वगैरह भी देखना, तो आज थोड़ा बहुत हम सामान लेकर भी आए, और अभी कुछ दिनों के अंदर दोबारा भी आएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें सामान बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, और फिर मार्केट के हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेगी कौन सी चीज़ें चलेगी कौन सी नहीं, तो इंश्योरेंस वगैरह भी काम है, और जो आपकी जैसे क्लेम वगैरह होता है ना वो भी करवाना होता है, तो वो सारी चीज़ें उस चीज़ का सेटलमेंट कर रहे हैं, तो उसी चीज़ की शॉप खोलनी है, तो अभी उसकी एक डेट फिक्स करी नहीं है अभी, तो उसके हिसाब से जब डेट फिक्स होगी तो उसका एक ब्लॉग और आएगा, फिर मैं बताऊँगा आपको क्या कौन सी शॉप ओपन होने वाली, क्या लोकेशन रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई
जो प्रीवियस वीडियो है उनको भी जाकर देखो और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी जो मैं आगे का व्लॉग है ना वो मैं लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कब शॉप ओपनिंग होगी, और जब भी शॉप की ओपनिंग होगी तो मैं उससे पहले आपको एक रील के थ्रू या फिर किसी स्टेटस के थ्रू मैं बता दूंगा आपको, तो और जितनी जो भी लोकेशन रहेगी शॉप की वो भी मैं आपको बता दूंगा। और तब तक के लिए बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो भाई वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।